सो हेलो एवरीवन, आज है 18th of March और स्टिल अभी तक मम्मी का कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है बस कि जो लोग जानते हैं ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स भी, इवन कि पूछ भी रहे हैं क्यों हुआ, क्यों, कैसे हुआ, आप क्यों मम्मी को अकेले छोड़े हैं। तो उनके लिए ये मतलब वीडियो बना रही हूँ। देखिए, हम लोग भुवनेश्वर टू जयपुर जा रहे थे मेरे दी के यहाँ, जहाँ पर उनका बेबी का फर्स्ट बर्थडे था। तो एनी हाउ, बरहमपुर तक मम्मी हमारे साथ थी, सोई थी, हम लोग नोटिस किए थे। बरहमपुर के बाद जो आता है पलाशा एंड इच्छापुरम, विजयनगरम, त्रिचीपल्ली, वहाँ से लेके रायगढ़ तक, मतलब बरहमपुर के बाद जो आता है उसके बाद रायगढ़ तक, यही के बीच में कहीं पे वो उतर गई है। उसमें कुछ छोटे बड़े जंक्शन आते हैं, तो हमारा कोशिश जारी है। तो मुझे लगता है यही इसी के बीच ही कहीं उतरे होंगे। तो कुछ भी हो, ओडिशा में होते तो मम्मी को ओडिया काफ़ी अच्छा आता है, तो वो बोल देती कि हाँ मुझे जाना है, मैं खो गई हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो ओडिशा में होंगी, मुझे प्रोबेबली चांस वही आंध्रा एरिया लग रहा है, क्योंकि शायद वहाँ पे मम्मी बोल भी रही होंगी कि मैं खो गई हूँ, मुझे जाना है। लेकिन आंध्रा के लोग शायद वहाँ समझ ही नहीं पा रहे हैं मम्मी का बात, या फिर मम्मी उनका बात समझ नहीं पा रही है। ऑब्वियस सी बात है, आंध्रा लाइन के बातें, हस्बैंड लोग भी गए थे तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मम्मी का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी हम लोग का कोशिश जारी है। तो आप हीराखंड एक्सप्रेस जाने वाली जो चार्ट आता है कि कहाँ से जाता है कहाँ तक एंड कहाँ कहाँ पे स्टॉपेज आता है, अगेन मैं बता रही हूँ, बरहमपुर से रायगढ़ के बीच में जो स्टेशन आते हैं, जंक्शन आते हैं, आप खुद भी देख लीजिए, और उसके बीच में जो आप लोग रहते हैं, जैसे बड़ा बड़ा तो है विजयनगरम, त्रिचीपल्ली एंड पलाशा, इच्छापुरम, तो ये एरिया में जो आप लोग रहते हैं, तो आपके एरिया में आप थोड़ा रेलवे स्टेशन से, मुझे नहीं लग रहा है रेलवे स्टेशन में होंगे, क्योंकि आरपीएफ टीम सब कोई अलर्ट है, इवन कि ऑल इंडिया रेलवे अलर्ट हो चुके हैं, ट्विटर में ट्वीट किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो रेलवे स्टेशन से वही 2-3 किलोमीटर एरिया में कहीं घूम रही होंगी, क्योंकि उनका कंडीशन मैं बता रही हूँ पहले से ही बहुत ख़राब है। तो कोई भी इस एरिया में कोई भी रहते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ देखने की कोशिश कीजिए, छोटा मोटा जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। कहीं भी एक बुज़ुर्ग औरत डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश भी बोल सकते हैं, पिंक बॉर्डर में कोई भी आपको लेडीज़ दिख रही है, तो आप इतना हेल्प कीजिए कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो जिनको पता है देख रहे तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उनके पास हैंडओवर कीजिए, ताकि रेलवे पुलिस अलर्ट हो चुके हैं, हमको कुछ मैसेज आ सकता है। तो चलिए, आंध्रा लाइन में अभी जाने के लिए ऑलरेडी हस्बैंड लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, फिर भी हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं ओल्ड एज होम एंड मंदिर एंड जो बहुत बोलते हैं ना, जो मिसिंग पीपल ज़्यादा रहने का चांस है, हॉस्पिटल वगैरह, वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हम लोग को इतना हेल्प कीजिए, वहाँ पर कोई अगर आप लोग हैं या फिर आप वहाँ से पास है, जा सकते हैं वहीं, तो थोड़ा घूमने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूर मम्मी चल के नहीं जा सकती, इवन कि उनके पैर में स्लीपर भी नहीं है, ट्रेन में स्लीपर छोड़ के गई हैं, तो चल के ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, उनका वो कंडीशन नहीं है। तो कहीं भी थोड़ा आंखें डालिएगा कि ऐसा कोई औरत दिखाई देती है क्या, मतलब 60-62 साल के औरत। तो बस यही मुझे कहना है, ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ, मतलब दिल टूटा हुआ है, और मैं आपको प्रिटेंड करके नहीं दिखाना चाहती कि मैं सिंपति नहीं ये करना चाहती, क्योंकि मुझे रोना नहीं है, अभी मुझे प्रैक्टिकल बनना है कि ढूंढना है मुझे। तो मुझे हेल्प कीजिए, आपको मैं छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो नहीं जानते थे उनको दे दी, तो काइंडली एक हेल्प यही हो सकता है। हो सकता है वो अभी रेलवे स्टेशन से और कहीं भी जा सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है और कहीं ट्रेन में भी चढ़ गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा होगा कि कहीं ट्रेन से गए होंगे, क्योंकि ट्रेन में जाते तो आरपीएफ टीम टीटी को भी इन्फॉर्म हो गया है सब को, तो इतना तक तो नहीं आ रहा है। फिर भी मेरा कहना ये है, आप जिस एरिया में भी रहते हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर के एरिया, रेलवे स्टेशन के बाहर के एरिया थोड़ा नज़र डालिए, और यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और इतना ही आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, और भगवान को प्रे किया जा रहा है कुछ मतलब अच्छा ही हो। तो चलिए, इतना ही मुझे हेल्प कीजिए, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं जहाँ से, रायगढ़ के
पहले आता है पार्वतीपुरम एंड बॉबली स्टेशन। आज मैं छोटी बच्चे को लेकर सफ़र कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, हम वहीं पे आज कवर करने वाले हैं। हस्बैंड लोग ऑलरेडी विजयनगरम में पोस्टर वोस्टर एंड न्यूज़ चैनल में नहीं दिए, पोस्टर दिए हैं एंड FIR दर्ज हो चुका है। बस उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि चारों तरफ वो वायरल करें, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा वायरल कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपडेट यही रहा, और आगे से मुझे ये सारे क्वेश्चन ना आए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप क्यों ऐसे छोड़े, तो इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। चलिए थैंक यू। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर है, मम्मी का फ़ोटो है, आप देख के कोशिश कीजिए ढूंढने का। चलिए रखते हैं।